अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अच्छी अच्छी ब्रीड से नवाजे, आमीन। दोस्तों आज हम ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह अपनी एवरी की। तो जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी लोगों के पास ब्रीड आ गई है और काफ़ी इशू आ रहा है, डेड इन शेल का भी काफ़ी लोगों के पास आया है। और जिस तरह कि मेरे पास अल्बाइनो रेड आई टू स्प्लिट लगे हुए हैं और इसमें मोर्टेलिटी इशू भी आया है, और जिस तरह लोगों के पास काफ़ी एक्सपायर हुए हैं, मेरे पास भी एक्सपायर हुए हैं, लेकिन इसकी वजूहत की बिना पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सर्वाइव हुए हैं, एक से दो बच्चे एक्सपायर हुए हैं और उसके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि उनको किस तरह बचाना है। तो मैंने वही काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाकी पेयर जितने भी रेड आई आए हैं बच्चे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव हो गए हैं। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फिशर का पेयर है, इसको फॉस्टर किया है अल्बाइनो रेड आई के बच्चे, और मैं आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये जैसे कि हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं, ये फीमेल बहुत अग्रेसिव है और बहुत बाइट करती है, इससे वैसे ही मुझे डर लगता है, ये काटने भी आती है हमेशा। ये जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये तीनों रेड आई के बच्चे हैं, जिसमें से लटीनो पर्सनाटा रेड आई है और दो अल्बाइनो रेड आई हैं। ये फीमेल जो है जाती नहीं है, दूर नहीं जाती। ये आप देखें, देख सकते हैं, ये लटीनो पर्सनाटा है और बाकी दोनों जो हैं वो अल्बाइनो रेड आई के चिक्स हैं। ये मेरा पेयर जो है जिससे निकले हैं, वो जो है लटीनो पर्सनाटा रेड आई स्प्लिट ब्लू है और लटीनो पर्सनाटा ब्लैक आई स्प्लिट ब्लू है। उसमें से माशाल्लाह ये प्रोग्रेस आई है और माशाल्लाह साहब ने सर्वाइव भी किया है। और हम सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं, इसमें माशाल्लाह से चार एग्ज आए हैं, ये फिशर के ही हैं, मैंने फॉस्टर नहीं किए क्योंकि बाकी पेयर्स ने अंडे दिए। अब मैं बाकी पेयर्स के फॉस्टर नहीं कर रहा। तो हम दूसरे तीसरे नंबर पर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फीमेल मैटिंग कर रही है और इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्दी एग्स भी आ जाएंगे, और ये फीमेल इसके अंदर ही है थ्री नंबर बॉक्स के अंदर। हम इसकी प्रोग्रेस भी देख लेते हैं। तो अभी इसने फ़िलहाल तो कोई एग्स लिंग नहीं किया, लेकिन ये एक दो दिन में इंशाल्लाह कर देगी। ये लटीनो पर्सनाटा रेड आई का मेरा पेयर है, और ये फोर्थ नंबर पर हमारे पास अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर है। ये माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा पेयर है, और इसमें फीमेल ने इसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं। माशाल्लाह इसने एक एग लिंग कर दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं पांच नंबर के ऊपर, इसने भी एग लिंग करने वाली है ये फीमेल, इसने भी एग लिंग नहीं किया। ये हमारे पास जो पेयर है पेस्टल इनो का है, पेस्टल पार्बिल पेस्टल इनो का पेयर है, इसने भी एग लिंग नहीं किया, इंशाल्लाह एक दो दिन में कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पार्बिल पेस्टल इनो का पेयर है मेरे पास, और मेरे पास अल्बाइनो रेड आई की फीमेल नहीं थी, मैंने इसका स्प्लिट लगाया हुआ है, बट मैंने अब अल्बाइनो रेड आई की फीमेल परचेज़ कर ली है। ये पेयर असल में क्रॉस हो रहा है, जिसकी बिना पर इसको मैंने, और ये एक दो दिन में एग लेइंग कर देगी इंशाल्लाह, इसलिए मैंने इसका मेल चेंज नहीं किया। इसके लिए मैंने फीमेल अल्बाइनो रेड आई की ले ली हुई है, परचेज़ कर ली है, वो नीचे मैंने सेपरेट रखी हुई है अलहदा से। जैसे ही इंशाल्लाह वो एग लेइंग कर देगी और तो उसका मैं उसको चेंज कर दूंगा, वो खुद इंशाल्लाह अपने बच्चे पालेगी इंशाल्लाह, और अंडों पे बैठेगी इंशाल्लाह अकेले भी। ये फीमेल मैंने परचेज़ की है इसके लिए, तो नेक्स्ट मैं इसको यही दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉक्स नंबर सिक्स की तरफ, इसमें ये लटीनो पर्सनाटा रेड आई का मेरा पेयर है, माशाल्लाह इस फीमेल ने भी एक्सलिंग किए हैं। इसकी मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ, माशाल्लाह इसने चार एक्सलिंग कर दिए हैं और अभी भी ये लोडेड है, इंशाल्लाह इसने एक दो एग और भी लेंग करने होंगे। और इससे नीचे ये मेरा फिशर का पेयर है, ये मैंने रखा हुआ है फॉस्टर पेयर, बट ये अभी क्या नाम है, फीमेल एग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम चलते हैं नौ नंबर बॉक्स की तरफ, ये नौ नंबर बॉक्स की तरफ हम आ गए हैं, हम चेक करते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें माशाल्लाह दो अल्बाइनो स्प्लिट हैं और एक अल्बाइनो रेड आई का है बच्चा। इसी फीमेल के जो है इस पेयर के दो बच्चे अल्बाइनो रेड आई के एक्सपायर भी हुए हैं, उसकी रीज़न यही थी कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने केयर नहीं की थोड़ी सी, और मैंने ध्यान नहीं किया, वीक ब्लड लाइन होती है, इसका ज़रा ध्यान रखना होता है बच्चों का। स्टार्टिंग के अंदर फीड इनको करवानी होती है एक दो दिन, उसके बाद ये इंशाल्लाह खुद सर्वाइव करते हैं। ये बड़े ब्लड लाइन कमज़ोर होने की वजह से इसका इशूज़ आता है। अब हम चलते हैं अपने 10 नंबर बॉक्स की तरफ और इसमें प्रोग्रेस देखते हैं। ये लटीनो पर्सनाटा रेड आई का पेयर है मेरा माशाल्लाह से, माशाल्लाह हम देख सकते हैं फीमेल एग पे बैठी हुई है
और इसको हम नहीं डिस्टर्ब करते, ये एग पे बैठी हुई है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हम। इसके बाद हम आ जाते हैं सामने 11 नंबर बॉक्स की तरफ। ये मेरा अल्बाइनो रेड है, ये 2 स्प्रिट लगा हुआ है। इसी के बच्चे मैंने फॉस्टर किए हुए हैं, वो फिशर के पास जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं। तो माशाल्लाह इसने फिर एग लिंग कर दिए हैं और ये एंडो पे बैठी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने 6 एग्स लेंग कर दिए हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी फीमेल है। और इसके मैंने पिछले बार एग फॉस्टर किए थे, जिसमें से आपको मैंने बताया था कि 6 के 6 बच्चे निकले थे, जिसमें से मेरे 3 एक्सपायर हुए हैं और 4 रेड आई दिए थे और 2 जो है सिंपल दिए थे इसने स्प्लिट के। और रेड आई सर्वाइव ना कर सके, मतलब कि 1 सर्वाइव कर गया, बाकी 2 जो हैं 3 एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद ये अल्बाइनो रेड आई 2 स्प्लिट लगा हुआ है, माशाल्लाह इसने भी एग लेंग कर दिए हैं। ये देखें, जैसे देख सकते हैं आप, इसने भी एग्लिंग किए हैं माशाल्लाह। और ये अभी लोडेड है और भी एग्लिंग कर रही है साथ साथ। ये नीचे आ जाते हैं हम 13 नंबर बॉक्स की तरफ। ये मेरा अल्बाइनो ब्लैक आई का पेयर है और माशाल्लाह से इसमें 3 बच्चे हैं, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये सिंपल ब्लैक आई के बच्चे हैं, काफ़ी अच्छा पेयर है ये, अच्छी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है माशाल्लाह से। 3 ही एग्लिंग किए थे फर्स्ट में और 3ों के 3ों बच्चे इसने पाले हैं और 3ों के 3ों बच्चे निकले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 14 नंबर बॉक्स की तरफ। तो इसमें मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको। ये भी अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह इसने फीमेल एक एग्लिंग भी कर दी है माशाल्लाह। माशाल्लाह मत बोलना मत भूलिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर है मेरा। इसके बाद हम 16 नंबर बॉक्स की तरफ चलते हैं और इसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं इसमें क्या है। ये मेरे पैर बहुत अच्छा पैर है ये भी मेरा माशाल्लाह। ये भी इसने भी फीमेल एगलिंग किए हुए हैं और मैंने एक जो एग है इस पर फॉस्टर किया हुआ है अल्बाइनो रेड आई का। तो बाकी मैंने एग फॉस्टर नहीं किए थे, एक मैंने एग इस पर फॉस्टर किया हुआ है इसके पास माशाल्लाह। बाकी देख सकते हैं आपके इसके अपने एग हैं। अब हम 15 नंबर बॉक्स की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं। ये माशाल्लाह मेरा अल्बाइनो स्प्लिट और लटिनो पर्सनाटा ब्लैक आई स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो है माशाल्लाह। इसने भी 4 एंगलिंग किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस ही माशाल्लाह बहुत अच्छी आई हुई है। अब हम ये 17 और आखिरी पेयर की तरफ चलते हैं। ये मेरा फिशर का पेयर है और इसके नीचे फिशर के बच्चे ही हैं। इसकी प्रोग्रेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा फोस्टर पेयर है। बट एग लेंग किए थे, मेरे पास कोई जगह नहीं बनी थी जिसकी वजह से मैंने इसके नीचे एग्स इसके ही रहने दे दिए। माशाल्लाह इसने 7 एग लिंक किए हैं, 4 3 बच्चे निकले हैं, बाकी 4 भी निकलने वाले हैं, चारों के चारों ही फर्टाइल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्रेस, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस आई है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।